स्वभाव का विकास तब तक पूर्ण विकास नहीं माना जाता जब तक ग्राम सभा में आवागमन व समुचित जल निकासी की व्यवस्था ना हो। तब तक किसी भी गांव का समग्र विकास नहीं माना जाता। कुछ इसी प्रकार का हाल जसरा विकास खंड के जसरा ग्राम सभा का है, जहां पर जसरा के खटगिया जाने वाले संपर्क मार्ग पर वर्ष के 12 महीने जल जमाव बना रहता है, जिसके कारण राहगीर इसी कीचड़ और दलदल भरे रास्तों से होकर गुजरते हैं। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा इस बात की शिकायत उप जिलाधिकारी बारा से की गई कि जिस पर उनके आदेश पर पूर्व में बनी हुई नाली की साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा था कि उसी समय नालियों पर अवैध कब्जा करने वाले दबंग लोग मौके पर पहुंच करके उप जिलाधिकारी के आदेशों को दरकिनार करते हुए हल्का लेखपाल परमात्मा पांडे से गाली गलौज व मारपीट पर आमादा हो गए थे। स्थिति को समझते हुए हल्का लेखपाल के द्वारा तत्काल ही इस बात की सूचना उप जिलाधिकारी बारा व थाना प्रभारी खूरपुर को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज गौहनिया के द्वारा विवाद पर आमादा लोगों को समझाते हुए शांत कराया गया। तब कहीं जाकर नाली की साफ सफाई का कार्य सुचारू रूप से शुरू हुआ। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रोहित प्रजापति की खास रिपोर्ट। जी, आप एक समाज सेवी हैं और यहाँ पे जो ग्राम सभा जसरा में जल भरा हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको अवगत कराना चाहते हैं कि ये नाली की समस्या विगत कई वर्षों से बनी चली आ रही थी। आप पूर्व में देखिए, एक IAS अफसर आपके यहाँ आए थे भारिया जी, उनके द्वारा मार्च के महीने में एक बच्ची के गिर जाने की वजह से उनको सूचना प्राप्त हुई और उन्होंने जल निकासी समस्या को देखते हुए इस समस्या को निदान के रूप में मौके पे तहसीलदार बारा को भेजकर इसको खुलवा कर यहाँ के स्थानीय तालाब पक्का तालाब में मिलवाया गया और यहाँ की जो जल समस्या थी उसको निदान के रूप में देखा गया। अभी बरसात के कारण और जल भराव के कारण तमाम नए मकान भी बन रहे हैं, उसके कारण यहाँ की नालियाँ भट गई थी और भट जाने की वजह से जो गतिविधियाँ पहले थी उससे भी दुर्भर हो गई। नहीं, जैसे यहाँ पे विद्यालय बना हुआ है श्री केदारनाथ, तो यहाँ के बच्चे स्कूल कैसे आते होंगे जैसे पानी भरा हुआ रास्ते पे? तमाम बच्चे जो खटगिया के हैं उधर से आते हैं, जो बाजार के हैं इसी मार्ग से आते हैं, आने जाने में भी अवरोध उत्पन्न होता रहा है जलभराव के कारण। और अभी हल्का लेखपाल और मौके पर चौकी इंचार्ज गोहनिया आकर इस जल भराव की समस्या को दूर किए हैं और आप देख भी रहे हैं यहाँ पर जल भराव की समस्या को निदान दिलाने के लिए GCB के द्वारा काम चल भी रहा है और स्थानीय लोग भी जितने भी लोग हैं इसका सहयोग दे रहे हैं और जल भराव की समस्या दूर करने में सहयोग प्राप्त करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सचिन श्रीवास्तव। समाज सेवी भी हैं आप? जी।